नमस्कार एंड वेलकम टू दी इंडिया ग्लोबल स्टडी ज्योग्राफी ऑफ इंडिया पार्ट नंबर 4 रिवर्स ऑफ इंडिया फाइनल पार्ट पार्ट नंबर 10 करने जा रहे हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 91, हंगरी सहायक नदी है तुंगभद्रा की। हंगरी नदी तुंगभद्रा की सहायक नदी है। अन्य सहायक नदियों में तुंग नदी, भद्रा नदी, वर्धा नदी आदि है। और यह एक पवित्र नदी है जो कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से बहती हुई कृष्णा नदी में मिल जाती है। क्वेश्चन नंबर 92, कोपली जिसकी सहायक नदी है वह है ब्रह्मपुत्र। कोपली नदी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 93, खारी नदी जिसे अब अपवाहतंत्र का अंग है वह है बंगाल की खाड़ी। इस प्रकार खारी नदी है भी बंगाल की खाड़ी में अपवाहतंत्र अंग है। सतलज नदी का उद्गम है इनमें से कोई नहीं है, क्योंकि कैलाश पर्वत तिब्बत में स्थित एक पर्वत श्रेणी है। जो सतलज नदी है वो कैलाश पर्वत तिब्बत में स्थित एक पर्वत श्रेणी है। इसके पश्चिम तथा दक्षिण में मानसरोवर तथा राक्षस ताल झील है, और यहाँ से कई महत्वपूर्ण नदियाँ निकलती है, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलुज इत्यादि। क्वेश्चन नंबर 95, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो जो कावेरी का उद्गम आंध्र प्रदेश में है ये सत्य नहीं है। जो कावेरी है वो कर्नाटक तथा उत्तरी तमिलनाडु में बहने वाली सदा नीरा नदी है, और ये पश्चिमी घाट के पर्वत ब्रह्मगिरी से निकलती है, और इसकी लंबाई प्राय 760 किलोमीटर है, और दक्षिण पूर्व में प्रवाहित होकर कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। और जो सत्य कौन कौन से वो तो आपको दिखाई दे रहे होंगे। महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ में है, गोदावरी का उद्गम महाराष्ट्र में है, और जो ताप्ती नदी का उद्गम है मध्य प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 96, सिंधु नदी का उद्गम होता है कैलाश पर्वतमाला से। सिंधु नदी है वो अंग्रेजी में से इंडस रिवर, एशिया की सबसे लंबी नदियों में से एक है, और ये पाकिस्तान, भारत, जम्मू और कश्मीर के अंदर और चीन में पश्चिम तिब्बत के अंदर माध्यम से बहती है। और सिंधु नदी का उद्गम स्थल तिब्बत के मानसरोवर के निकट सीन का बाव नामक जलधारा माना जाता है। इस नदी की लंबाई प्राय 3610 किलोमीटर है, और यहाँ से यह नदी तिब्बत और कश्मीर के बीच बहती है। गंगा पर्वत के उत्तरी भाग में घूमकर यह दक्षिण पश्चिम में पाकिस्तान के बीच से होकर गुजरती है, और फिर जाकर अरब सागर में मिल जाती है। क्वेश्चन नंबर 97, निम्न में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंभात की खाड़ी में गिरती है। महानदी या माही नदी है वो पश्चिमी भारत की एक प्रमुख नदी है, और माही का उद्गम मध्य प्रदेश के धार जिला के समीप मिंडा ग्राम की विंध्याचल पर्वत श्रेणी से हुआ है, और यह दक्षिणी मध्य प्रदेश के धार, झाबुआ और रतलाम जिलों तथा गुजरात, राजस्थान राज्य में होती हुई खंभात की खाड़ी द्वारा अरब सागर में गिरती है। क्वेश्चन नंबर 98, भागीरथी नदी निकलती है गोमुख से। भागीरथी गोमुख स्थान से 25 किलोमीटर लंबे गंगोत्री हिमनद से निकलती है, और यह स्थान उत्तराखंड राज्य में उत्तरकाशी जिले में है, और यह समुद्र तल से 618 मीटर की ऊंचाई पर है, और ऋषिकेश से 70 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 99, निम्नलिखित में से भारत में तलछट को प्रवाहित करने वाली प्रमुख नदी कौन सी है। ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र का उद्गम हिमालय के उत्तर में तिब्बत के पुरंग जिले में स्थित मानसरोवर झील के निकट होता है, और जहाँ उसे यरलूर त्यूस तस रूपा कहा जाता है, और तिब्बत में बहते हुए यह नदी भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में प्रवेश करती है, और असम घाटी में बहते हुए इसे ब्रह्मपुत्र, और फिर बांग्लादेश में प्रवेश करने पर इसे जमुना कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 100, सिंधु नदी की एक सहायक नदी जो हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है सतलज जो दक्षिण पश्चिम तिब्बत से निकलती है और हिमालय के माध्यम से पश्चिम की ओर बहती है। हिमालय प्रदेश और पंजाब भारत को पार करती हुई पाकिस्तान में प्रवेश करती है, और बहावलपुर के पश्चिम में चिनाब में मिलती है, और पंजाब की 5 नदियों में से सबसे लंबी भी है। क्वेश्चन नंबर 101, प्रायद्वीपीय पठार में नर्मदा नदी असाधारण रूप से सीधे प्रणाल के साथ पश्चिम की ओर बहती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि नदी पश्चिम की ओर अवनत रिप्त घाटी की द्रोणिका से होकर बहती है। तो क्वेश्चन नंबर 102, चंबल नदी किन राज्यों से होकर बहती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान। यह पश्चिम जो चंबल नदी है ये पश्चिम मध्य भारत में विंध्य पर्वत श्रृंखला में मुहू मध्य प्रदेश के पास जाना पाँव में निकलती है, और चंबल नदी है वो राजस्थान में प्रवेश करने के लिए मध्य प्रदेश से उत्तर पूर्व में बहती है, और दोनों राज्यों के बीच एक सीमा बनाती है।
तो इसी के साथ हमारा ज्योग्राफी ऑफ इंडिया पार्ट नंबर 4 रिवर्स ऑफ इंडिया और फाइनल पार्ट ऑफ रिवर्स ऑफ इंडिया का मतलब रिवर्स ऑफ इंडिया पूरा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है आपको इसी वीडियो के साथ। अगर आपको ये पूरी सीरीज पसंद आई है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसी मिली। और जो नोट्स है, ये नोट्स है जो वो भी आपको फेसबुक पर मिल जाएंगे या के लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा नोट्स का ये क्वेश्चन होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो लाइक कीजिए। अगर आप इसको फेसबुक पर देख रहे हैं तो ऊपर देखिए लिंक पर क्लिक करें और हमारे यूट्यूब चैनल इंडिया ग्लोबल स्टडी को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।